Hello friends, we are back with our special segment where you get to peep into your favorite actor's makeup room. And today we have with us the handsome hunk Krip Kapur Suri, also known as Ravi from Kalash Ek Vishwaas. Hello guys, my name is Krip Kapur Suri और आज आप मेरे मेकअप रूम के बाहर खड़े हैं। ये मेरे मेकअप रूम का दरवाजा है जहाँ पर मेरे जाने वालों ने ये तस्वीर लगा दी यहाँ पर, ताकि ये रूम सबको मतलब पहचान में रहे कि ये क्रिप कपूर सूरी का रूम है जो कि प्रोडक्शन वालों ने दिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतना अच्छा रूम मुझे दिया है। तो आइए, ये कमरा है और इस कमरे में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि ज़्यादातर मेरा वक्त यहीं पर गुजरता है। घर पर मैं सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर लैपटॉप है और लैपटॉप पे मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ। मैं अपने साथ बहुत सारी फिल्में हमेशा कैरी करता हूँ अपने बैग में, क्योंकि फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक है। फिल्म्स देखकर ही मैं सब कुछ सीखता हूँ और अब तक सीखता आया हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेरा जिम का सामान आप देखें यहाँ पर, तो ये सब जिम का सामान है, टेबल है, सब चीज़ें मैंने बना कर रखी हुई हैं। जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं थोड़ी सी वर्कआउट भी करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाकर थोड़ा सा जिम करूँ। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैंने ये सब सेटअप यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरी, और मेरी तस्वीर के ऊपर ये मेरे बाबा जी की मूर्ति है, साईं बाबा जी, जिन पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ। इनके एकदम ठीक बाजू में ये गणपति बापा हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे 21 तारीख डेटेड। ऐसे ही बैठे बैठे मैं सीन के दौरान पेंटिंग करता, ऐसे बनाता रहा और ऐसे से बन गए। चलो, भगवान की मूर्त तो हर मूर्त अच्छी होती है, जैसे भी बन जाए, क्योंकि भगवान सभी चीज़ों में है। और इसके साथ साथ पूरा फील लेने के लिए, फिल्म का पूरा फील लेने के लिए मैंने छोटे से स्पीकर्स भी ऐड करके रखे हुए हैं, ताकि धड़ल्ले से आवाज़ आए कानों में और अच्छा लगे और फिल्म देखने का मज़ा आए। और ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, ये है बस। यहाँ पर मेरे बाबा जी यहाँ पर भी हैं, ठीक है। और ये मेरा जिम, मेरा बैग है जिसमें मेरा खाने पीने का सामान होता है जो मैं हर रोज़ कैरी करता हूँ। खोल नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ है। और ये मेरा आइस बॉक्स है, ये आइस बॉक्स के अंदर मोस्टली मेरा खाने पीने का सामान होता है। ज़्यादा नंबर देखो तो अच्छी बात है। So Krip, what is the favorite part of your makeup room? यहाँ पे भी पिक्चर्स हैं, देखें, ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पर, और भी मैं बहुत सारी लगाने वाला हूँ। मुझे मतलब बहुत सारी तस्वीरें चाहिए थी, मुझे मिली नहीं, तो ये पड़ी हुई थी यहीं पर, तो मैंने उठा के लगा ली यहाँ पर। तो हमने एक्चुअली मेरा जो कमरा बना हुआ था रवि का, तो रवि के कमरे में ये सब तस्वीरें लगी हुई थी। तो फिर जब कमरा चेंज हुआ तो ये सब तस्वीरें वहीं पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अपने कमरे में लगा ली और आई थिंक अच्छी लग रही है, ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है। और एक कुछ तस्वीरें और हैं जो मैं लगाने वाला हूँ, एक गॉड फादर अल पचिनो, अमित जी, ये सब मैं पूरा चाहता हूँ कि मेरा जो रूम है एकदम फिल्मी रूम बना रहे, क्योंकि इन्हीं को देख देख कर मुझे वो इंकरेजमेंट, मतलब अपने आप को मैं इंकरेज करता हूँ कि मुझे भी कुछ करना है, आगे चलकर मुझे भी कुछ बनना है, अच्छा एक्टर इनकी तरह बनना है। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा और करूँगा। ये डिज़ाइनिंग मेरी है, मैंने बोला यहाँ पर अपने हमारे सेटिंग दादा ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ कर दो, तो उन्होंने बस ऐसा कुछ कर दिया। रंगीन एकदम रूम बना दिया, लाल, नीला, सफ़ेद, और लाल और काला कारपेट, इसके नीचे फ्लोरिंग सफ़ेद रंग की, तो फुल ऑन यू नो। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप एकदम फ्रेश फील करते हो जब एकदम दीवारें एकदम बढ़िया सी पेंट हुई हो। तो दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा समय में मुझे यहीं पे गुजारना होता है। जैसे पहले ही मैंने बताया, 17, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे मेरे मोस्टली यहीं पर होते हैं। तो जब यहाँ पर हमें गुजारना है वक्त, तो रूम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो आप यू फील गुड, यू फील पॉजिटिव। सो आई ऑलवेज बिलीव कि आपके रूम, आपकी सराउंडिंग्स में हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पूरी कोशिश करता हूँ ऐसा भी हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मनी प्लांट भी रखा हुआ है, ये मत देखिए, ये बड़ी बेकार की चीज़ है। मनी प्लांट भी है ताकि मनी आए, बहुत सारी मनी। ये मेरी जो मॉम बनी है, ये देखिए, ये एक्चुअली ये एंटीक पीस है, ये जो मेरी मॉम बनी है हमारे शो में अलका अमीन जी, ये उन्होंने अपने हाथों से मुझे बना के दिया है। सो लवली, आई रियली लाइक इट एंड आई रियली लव हर सो मच बिकॉज शी इज़ फैंटास्टिक, शी इज़ सुपर एज एन एक्ट्रेस एंड बाय नेचर ऑल्सो। एंड ये थोड़ा सा खुशबूदार है, अरोमा सी खुशबू आती है, ताकि आपको एकदम से अच्छी खुशबू फील हो जब आप कमरे के अंदर एंटर करें। और दैट्स इट, बाकी तो और कुछ नहीं है, आप देख ही सकते हैं, सब सामान छोटा मोटा सा है, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। तो ये था मेरा छोटा सा आशियाना, छोटा सा कमरा जो कि मुझे प्रोडक्शन हाउस ने दिया हुआ है। यहाँ पर एकदम आराम से बैठकर यहाँ पर सीन्स पढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर मैं फिल्में देखता हूँ, और अगर कभी समय मिल जाए तो 15-20 मिनट का नैप ले लेता हूँ। वैसे वो तो मिलता नहीं है, तो बट फिर भी उम्मीद रहती है कि कहीं 15 मिनट मुझे मिल जाए तो मैं एक झपकी ले लूँ। तो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, मेरे लिए, मेरे कमरे को देखने के लिए, और ढेर सारे प्यार के लिए। इसी तरह प्यार आप करते रहिए आगे, ताकि मुझे ढेर सारी खुशी मेरे चेहरे पे बरकरार रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, सी यू। We must say you have a lovely makeup room, so guys do let us know through your comments if you like the segment. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Aparna Dixit. Keep watching India Forums and subscribe to WhatsApp TV.